गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो नोएडा NCR में बंद पड़े मकानों, दुकानों और फैक्ट्रियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले ऑटो और 25,000 के नकद बरामद हुआ है। सभी अभियुक्तों पर गाजियाबाद और अन्य स्थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। अभी कुछ दिनों पहले एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान में देर रात चोरी हुई थी और जिस घटना के अनावरण के लिए एसीपी तृतीय के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और उस टीम को सफलता मिली है। इसके अंतर्गत तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक महिला है काजल और इसका पति है सूरज और तीसरा है कुलदीप जो ऑटो का ड्राइवर है। ये तीनों पुराने साथी हैं और ये साथ मिलकर अपराध करते रहे हैं और ये जो ऑटो है ऑटो में बैठकर इनका जो मनस्पंदाई है ये है कि रात में बैठते हैं, पति पत्नी दोनों ऑटो में बैठते हैं जिससे कि किसी को अंदेशा ना हो कि इस पर कोई संदिग्ध आदमी है। पूछे जाने पर ये पति और पत्नी अपने को बताते हैं और हैं भी पति पत्नी और इसके पश्चात ये घटनाएं कारी। सुल्तानपुर में घर के बाहर अपनी माँ के साथ सो रही 2 महीने की मासूम बच्ची को जंगली जानवर ने निशाना बना लिया। जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वन्य जीव बहुत हैं और किसी प्रकार के जो है ऐसा जो है एकदम जो उसकी जो घायल किया है ऐसा लग रहा है कोई जो है कोई वन्य जीव टाइप का होगा। कुत्ते का तो लोग नहीं बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे लोग बता रहे हैं किसी CR या CR जैसे किसी अन्य जो है वन्य जीव के द्वारा जो घटना घटित बताई जा रही है। यूपी के महाराजगंज जनपद में गर्मी, उमस और बारिश की वजह से वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं और रोजाना दर्जन भर से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की भर्ती और इलाज के लिए व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान दिया है। पीलीभीत के चुड़ियादा गांव में एक पिता ने अपने बेटे की जान ले ली। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। घरेलू विवाद के चलते पिता ने घर के आंगन में अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और जांच शुरू की है। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर आज ठगी पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पल्स, सहारा जैसी कंपनियों द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग की। पीड़ित परिवारों ने 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के निवेश की रकम को 2 से 3 गुना करने और 180 दिनों में के भीतर भुगतान करने की मांग की। सिंह धनगर जिला अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से तब जब संगठन जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। आज हम दिनांक 1 सितंबर 2024 से लगातार हम सभी निवेशक धरने पर बैठे हुए हैं। सभी कंपनियों से ठगी के शिकार हैं। सभी लोगों का कंपनियों में पैसा जमा है उसके भुगतान के लिए हमारा धरना प्रदर्शन जनपद फिरोजाबाद के जिला कार्यालय पर लगा हुआ है और पूरे भारत में हर जिला हर तहसील में हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से धरना प्रदर्शन लगा हुआ है और अपनी मांगों को पूर्ति कर रहा है। कासगंज जिले के विकास भवन में आज मंगलवार को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का शुभारंभ विकास भवन से ही मुख्य विकास अधिकारी सचिन ने किया और जिला कार्यक्रम अधिकारी सुशीला ने हरी झंडी दिखाई। हमारा वर्तमान में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। इसमें कुल 6 उद्देश्य हैं जिनमें हमें फोकस करना है। इसमें गृह निगरानी है, एक पेड़ माँ के नाम है, पोषण और पढ़ाई है और जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और एक विशेष बात जो जोड़ी गई है इसमें एक हमारे जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है उसका हम आंगनवाड़ी केंद्रों पर या हम पोषण टेकर के माध्यम से इसका कैसे सदुपयोग करेंगे वो विशेष इसमें इस बार के पोषण माह में शामिल किया गया। आज मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की लूट का मॉडल देखा है। उन्होंने कन्नौज की घटना का हवाला देते हुए कहा कि नबाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। VVIP जनपद माना जाता था लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है।
मयंक ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, ये धरती चवन ऋषि के साथ जुड़ी रही है, इसका संबंध रहा है और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके साथ? फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना उत्तर पुलिस ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से मोबाइल चोरी करने वाले दो अभियुक्तों गुलशन जाटव और शिव सागर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गोपाल नगर से पकड़ा गया और उनके कब्जे से चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद में एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस ने मोहल्ला नई बस्ती से दो चोरों अजय और मोहन को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पुरानी साइकिल बरामद की गई है। थाना प्रभारी योगेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अब आरोपियों को विधिक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय भेजा जा रहा है। कासगंज में गला घोटू बीमारी के मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किलोनी नगला में कैंप लगाकर 32 लोगों को दवा दी। एएनएम शिवांगी और सपना ने डॉक्टर एएनएम चौहान की अध्यक्षता में इस कैंप का आयोजन किया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एएन चौहान के अनुसार गला घोटू बीमारी से बचाव के लिए 1.5 माह से 16 साल तक के बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। सहारनपुर थाना कुतुब शेर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को विजय कुमार और मुकेश को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 60,000 के नकली नोट, एक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, दो मोबाइल फोन, 4,700 की नकदी और एक सफेद हुंडई वर्ना बरामद की है। जी हाँ, ये थाना कुतुब शेर द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है उसमें जो जाली नोट का एक गैंग चल रहा था, जो जाली करेंसी दिया करता था, उसके दो सदस्य को पकड़ा है। इसमें से जो एक सदस्य है वो यहीं का रहने वाला, सहारनपुर का रहने वाला है, हसनपुर चौकी क्षेत्र का रहने वाला है मुकेश सैनी। इनके द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों से संपर्क करके यमुनानगर की जो पार्टी है जो ये नोट सप्लाई काम करती थी उनसे मिलकर नोट प्रोवाइड करवाए जाते थे। जो इनका रेट चलता था उस तरह चलता था कि एक तिहाई सही नोट देने होते थे तो उसके एवज में इनको 3 गुना करके नोट मिला करते थे। जैसे 1,00,000 रुपये दिए तो 1,00,000 रुपये सही करेंसी में, तो ये 3,00,000 रुपये आपको फर्जी करेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की इनकी इक्वेशन रहती थी और इसमें बीच में जो पार्टी लेके आता था उसको 10% कमीशन मिलता था। ये जब हमने पूछताछ करी है, इसमें जो मेन दो अभियुक्त हैं अजय और विजय, अजय इसमें से अभी फरार है और ये जो विजय इसके जो भाई है अजय का, उसको हमने पकड़ लिया है। झांसी की नगर निगम उप सभापति प्रियंका साहू ने बिजोली में कचरे के ढेर और दूषित हवा की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहर का कचरा खंतियों में डाला जा रहा है जिससे क्षेत्र में दुर्गंध और बीमारियां फैल रही हैं। प्रियंका साहू ने ये भी कहा कि सोलिड बेस्ट प्लांट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और सभी ट्रायल चल रहा है। उन्होंने महापौर और नगर निगम अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कल वहाँ गए थे देखने, बिजोली की बहुत सी लेडीज आई थी, मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या उनकी परेशानी है। तो वहाँ गए तो बड़ा हालत वहाँ के बाद खराब है। एक खंती टाइप की है, दो जगह डंपिंग होती है वहाँ पे, एक खंती टाइप की है, उसमें काफी सालों से करीबन 3-4 साल से कचरा फेंका जा रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि अगर कोई गिर जाए, डलडल टाइप है कि गिर जाए तो खत्म है उसकी कहानी। और जहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो लगा हुआ है वहाँ की भी हालत ऐसी है। वो मेरी बात हुई अधिकारियों से तो उन्होंने कहा ये ट्रायल पर है लेकिन उस हिसाब से वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराजगंज में मनबड़ों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक और उसकी मां पर रास्ते में हमला कर दिया। दवा खरीद कर लौट रहे युवक को बेरहमी से पीटा और जब मां ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीट डाला। ग्रामीणों की भीड़ जुटने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कासगंज में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने अपनी जान को खतरे की आशंका जताते हुए पटियाली कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि अपाचे और स्प्लेंडर बाइक पर सवार 4 अज्ञात लोग उनकी मर्डर की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने उनकी तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज मैंने पटियाली कोतवाली में एक तहरीर दी है जिसमें मैंने ये कहा है कि कुछ युवक धुमरी रोड पर, जो पटियाली से धुमरी जाता है करीब 1.5-2 किलोमीटर, वहां पर एक समर पड़ती है, वहां पर 4 लोग जिसमें 3 युवा हैं और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, ये अपाची गाड़ी और एक जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल होती है उस पर वहाँ खड़े हुए थे और वहीं पर मेरा एक परिचित व्यक्ति जो है वो शौच के लिए पानी ले रहा था।
तो उसने इन चारों व्यक्तियों की एक वार्ता सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब्दुल हफीज गांधी को जान से मार देंगे, उसको घेर लेंगे क्योंकि वो साइकिल पे चलता है, अकेले वो पैदल चलता है और गंजडुंडवारा पे जो रोड जा रहा है साबर अड्डा, वहां पर ये रात में निकलता है तो वहां पर इसको घेर लेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने संभल का दौरा किया और मदरसा छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मदरसा शिक्षकों और स्टाफ को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मिशन एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर को सफल बनाने की बात कही। देखिए, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद से लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर मदरसों को देखा, वहाँ पर तमाम चीज़ें किस प्रकार से वहाँ काम हो रहे हैं, मदरसे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम किस तरीके से दे रहे हैं, इन चीज़ों को देख करके एक सबक मिलता है और सुझाव लेते हुए हमने बोर्ड के काम को चलाया है। उस कड़ी में चूँकि इधर के जिले छूट गए थे, हम मुरादाबाद की थे, भी आज संभल आए हैं, यही उम्मीद से कि जरा चल के देखा जाए कि जिस प्रकार से मदरसे इतने अच्छे ढंग से समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, अपनी भी क्या भूमिका हो सकती है, हमारा क्या सुझाव हो सकता है, और देख करके एक माहौल पैदा हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का रूप एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप के तहत बच्चों का पूरा विकास हो सके, इसी सोच के साथ में संबंध जिले में।